बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। हमारे एथिकल प्रैक्टिसेस का जो कोर्स चल रहा है उसका 9 लेसन हो चुके हुए हैं और आज हम उसका लेसन नंबर 10 करेंगे। इससे पहले कि लेसन नंबर 10 की तरफ मैं जाऊं, आज जो हमारे लेसन में है, हमने अब तक जो 10 लेसन किए उसमें पहले हमने इंट्रोडक्शन टू एथिकल प्रैक्टिसेस किया, फिर हमने 3 की प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस डिसीजंस वो किया, प्रोफेशनलिज्म के बारे में हमने बात की और एचआर के प्रोफेशनलिज्म के बारे में हमने बात की, फिर हमने इस बारे में बात की कि इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं बिजनेसेस से और एचआर से, और उसमें भी हमने देखा कि जो रिसर्च डेटा है और जो सर्वेज हुए, जो इन्वेस्टर्स हैं मोर और लेस वो वही चीज़ें चाह रहे होते हैं जो कि एचआर की जॉब है या बिज़नेस का एक ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव में जो बिज़नेस की का आइडिया है या जॉब है। फिर हमने वर्क प्लेस लेंजेज़ के ऊपर बात की कि वर्क प्लेस 7 वर्क प्लेस लेंजेज़ हैं, उसमें किस तरह से उनको इस्तेमाल करके एचआर के लोग और जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ लेके जा सकते हैं। फिर हमने एम्बिशन और रियलिटी के ऊपर बात की। जब हमने इतनी सारी पहले बातें कर ली थी तो हमने एक बात बीच में ये भी की कि बाज़ औक़ात एम्बिशन जो है वो उतने पूरे नहीं हो पाते जितने के हमारे एम्बिशन होते हैं, क्योंकि रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो रियलिज़म में और एम्बिशन में फ़र्क ज़रूर होता है। हाँ, ये ज़रूर हमने उसके अंदर देखा कि जो एचआर का रोल और जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनका रोल है वो ये है कि जो उनका एम्बिशन है और जो उनकी रियलिटी है उसके दरमियान गैप जो है वो कम से कम किया जा सके, गो के रियलिटी में अगर आप देखें तो ख़त्म नहीं हो पाता लेकिन उसको कम से कम ज़रूर किया जा सकता है। लेसन नंबर 8 में हमने उन फैक्टर्स के ऊपर बात की जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एथिकल या अनएथिकल बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या जिनको देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है या ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकल बिहेवियर शो करेगी या अनएथिकल बिहेवियर शो करेगी, तो ये इसके ऊपर हमने बात की। और लेसन नंबर 9 में हमने एथिकल प्रैक्टिसेस और एचआर के रोल के हवाले से बात की। नाउ ये जब हमने बहुत सारी बातें कर ली और बैकग्राउंड सारा देख लिया और एथिकल प्रैक्टिसेस के हवाले से बातें कर ली, जो आज का हमारा लेसन नंबर 10 है उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल चेंज के ऊपर बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या चीज़ होती है और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एथिकल प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करता है या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर पाता है, और आखिर में हम थोड़ा सा कल्चरल चेंज के हवाले से भी देखेंगे, जो कि बहुत सारी बातें होती रही हैं कल्चरल चेंज के हवाले से पिछले 20-25 सालों में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और दुनिया भर में, उससे पहले भी होती रही लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इन पिछले 20-25 सालों में बहुत ज़्यादा कल्चर चेंज की और बातें हुई और बहुत सारी ट्रेनिंग्स की गई, बहुत सारा कंसल्टिंग हुई और अभी भी जाहिर है बात चल रही होती है। वो ये एक ऐसा ऑन गोइंग सब्जेक्ट है जो कि साथ साथ चलता रहता है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी एंड पे बात करेंगे कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं और रिस्क क्या होते हैं जब आप कल्चरल चेंज इनिशिएटिव शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये जो हमने सारी प्रोग्राम हैं ये मैं आपको जिक्र करता रहता हूँ, ये इनका जो सोर्स है, जो बहुत सारा मटेरियल है ज़ाहिर है इन प्रोग्राम्स में, 10 प्रोग्राम्स अभी तक, 10वां प्रोग्राम है, इसके 12 टोटल प्रोग्राम है, और ये हमने ज़्यादातर जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है और जो सोर्स है वो CIPD की रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, उनकी फैक्ट शीट्स हैं, और इसके अलावा HR ग्रेपवाइन और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यूज़ के जो आर्टिकल्स हैं उसके हवाले से भी हमने बहुत सारी चीज़ें बीच में शामिल की हैं। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है क्या? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में दो डेफिनेशन जो हैं बड़ी हैं, ये एक बेलोगन और जॉनसन की डेफिनेशन है जो कि लैंकास्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि हाउ वी वर्क हेयर, हाउ वी डू थिंग्स अराउंड हेयर, हाउ वी डू वर्क अराउंड हेयर। फिर शॉन जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक लंबी डेफिनेशन इसके हवाले से बताई। उन्होंने कहा कि द पैटर्न ऑफ शेयर्ड बेसिक अजम्पशन, शेयर्ड बेसिक अजम्पशंस जो कि शेयर कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस अदारे में बहुत सारे लोग, बेसिक अजम्पशंस इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड और डिवेलप्ड बाय गिवन ग्रुप एज इट लर्न्स टू कोप विद इट्स प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सटर्नल अडेप्टेशन एंड इंटरनल इंटीग्रेशन दैट हैज वर्कड वेल इनफ टू बी कंसिडर्ड वैलिड एंड देयर फोर टू बी टॉट टू न्यू मेम्बर्स एज द करेक्ट वे टू परसीव, थिंक एंड फील इन रिलेशनशिप टू दीज प्रॉब्लम्स, टू दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है,
तो जो कुछ उन्होंने जो एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है जिसकी बेसिक जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे जो कल्चरल चेंज और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की जो एक थीम्स चलती हैं वो इसकी बेसिस पे चलती हैं कि एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि डिस्कवर करता है, डेवलप करता है और इन्वेंट करता है उस कल्चर को, किस बेसिस पे, शेयर्ड अजम्पशंस पे, कि हम ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोगों की इकट्ठी, बहुत सारे लोगों की होती हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपनी अपनी इकदार होती हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं, वो जब इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर उनको वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का नाम दे देते हैं। जब उसको फोकस ग्रुप के थ्रू लीड करते हैं, डिवेलप करते हैं और राइट कर लेते हैं तो वो फिर इंस्टिल हो जाती हैं वैल्यूज़ के तौर पे और मिशन के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर वो SOPs बन जाती हैं और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं और जिस तरह से लोग काम करते हैं वहाँ पे, और फिर जब नए लोग आते हैं तो उनको वो चीज़ें उसी तरह से ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, वो लोगों को अपने जो सीनियर्स हैं, अपने जो लीडर्स हैं, अपने जो मैनेजर्स हैं, उनको करते हुए देखते हैं तो वो समझते हैं कि यार यही चीज़, यही तरीकाकार है यहाँ पे काम करने का। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, इसकी और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इसके और बहुत सारे तरीकेकार हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आप अपनी जो चला रहे हैं उसमें आपने जो प्रैक्टिकल इसकी डायमेंशंस हैं बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन ये चंद एक बेसिक चीज़ें जो कि इस फील्ड के जो जो एकेडमिक लोग हैं उन्होंने इसके हवाले से इसके ये बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की ये होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सॉरी, टू समराइज, इन सारी चीज़ों को समराइज करते हुए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं अमंग पीपल। तो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, जैसे मेरे करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे साथ एक और डिपार्टमेंट हेड है उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरा एक CEO है, मेरा एक जूनियर है, मेरा एक पीयर है, मेरे कोलीग्स हैं, हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि हम हल्ला गुल्ला पसंद करते हैं मिसाल के तौर पर, या हम बड़े पॉलिसी ओरिएंटेड हैं, या हम बड़े एकेडमिशियंस हैं, या हम जो हैं बड़े शेर व शायरी पसंद करते हैं। तो ये चंद एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, अब ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टरिस्टिक्स उसके अलावा भी हो सकते हैं कि हम टीम वर्क सारे पसंद, तो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बहुत सारे लोग मिला लेते हैं आपस में, उसको से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बन जाता है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स द वैल्यूज़, अब ये क्या होती हैं, वैल्यूज़ भी इंक्लूड करते हैं, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, रूटीन्स, ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव्स एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो जो शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपको बताया उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं, वैल्यूज़ कि मैं वैल्यू करता हूँ किसी को रिस्पेक्ट देना, बहुत सारे लोग वैल्यू करते हैं रिस्पेक्ट देना और वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मैं वैल्यू करता हूँ कि हमें इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे उस चीज़ को वैल्यू करने लग जाते हैं जब, तो वो फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनना शुरू। फिर रूटीन है हमारी, हमारी एक रूटीन है कि हम सुबह 9 बजे सारे के सारे दफ्तर में मौजूद होते हैं और काम करना शुरू करते हैं। मेरी रूटीन, हमारी रूटीन है कि आते ही सुबह सबको सलाम करते हैं, हाथ मिलाते हैं, हग्स करते हैं, वट एवर, जो जो एक 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 रूटीन है हमारी, एक या सुबह आते हैं तो सबसे पहले हमारी मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है और उसके बाद हम लोग सारे जो है ना वो थोड़ी देर के लिए जनरल गपशप लगाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो एक रूटीन है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के करेक्टरिस्टिक्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं जो कि फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप कर देती है। ये तमाम चीज़ें, वर्क प्लेस नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर आर ऑल्सो क्रूशल एंड आर व्हाट्स रेफर्ड टू एज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। सो जो भी आपकी ज़ाती इकदार हैं, ज़ाती वैल्यूज़ हैं जो आप घर से लेके आए हैं, बहुत सारे लोग घर से वैल्यूज़ लेके आए हैं, वो सारी वैल्यूज़ जब इकट्ठी होती हैं तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बनना शुरू हो जाता है। वो मुख्तलिफ भी होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि मुख्तलिफ होती हैं, आपकी वैल्यू कुछ और हैं, किसी और की वैल्यू कुछ और हैं, इसीलिए फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ हैं उनको डिफ़ाइन कर दिया जाता है, उसके लिए ट्रेनिंग की जाती हैं, उसके लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन की जाती हैं कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ अकदार लेके आए, मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स लेके आए, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स लेके आए हैं अपने इंडिविजुअल्स, वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड वैल्यूज़ बन जाए, शेयर्ड कल्चर बन जाए, ताकि जब जिन लोगों ने दिन का 8-9 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम अपना यहाँ पर गुजारना है वो सारे शेयर्ड वैल्यूज़ के तौर पर गुजारें, और जब वो सारे
इकट्ठे होके शेयर्ड वैल्यूज़ के साथ गुजारेंगे और एक कल्चर को डिफाइन करेंगे और एक दूसरे की से मुख्तलिफ राहों में नहीं जा रहे होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदा है कि वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी। वो कैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ पे लोग किसी से बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं हैं, अगर मिलते भी हैं तो पीछे जाके उसके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। तो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छा एथिकल कल्चर होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल भी होती हैं। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज़्यादा काम भी करना चाहते हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का जो बोनस का लेवल है वो भी हाई होता है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी होती है ओवर द ईयर्स वो भी ज़्यादा होती है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयबिलिटी की जो स्किल्स हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम भी बड़ा होता है। तो जितने बड़े ब्रांड नेम हैं, जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर वो कंसिस्टेंटली ये तमाम काम कर रही हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ को प्रमोट कर रही हैं और कल्चर को पॉजिटिव भी रखा हुआ है और एथिकल भी रखा हुआ है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कामयाब होती हैं और ज़्यादा अरसे के लिए कामयाब होती हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल प्रोफेशन। अब लोगों के लिए, जो HR के लोग हैं, जो पीपल प्रोफेशन हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वर्क ऑफ HR, L&D एंड OD इन्फ्लुएंसेस एंड is influenced by the organizational culture, because at their heart every organization is made of human relations and human interaction. So tamam organizations zahir hai logon se banti hain, chahe wo technical organization, chahe wo sara din computer pe hi kyun na kaam kar rahe ho, chahe wo badi software making ki, app making ki organization hi kyun na ho, chahe wo work from home hi kyun na kar rahe ho sare ke sare, even then they have human relations and human interaction at any level, be it face to face, physical, or through Zoom network, or through YouTube, or through Skype, or through WhatsApp, किसी तरह से भी है interaction ज़रूर है। और जब interaction शामिल हो गया तो people profession बीच में शामिल हो गया, और जब people profession बीच में शामिल हो गया तो of course people लोगों का, जब लोग शामिल हो गए तो फिर HR profession शामिल हो गया, और जब HR profession शामिल हो गया तो ज़रूरी है कि HR के लोग, people professionals should understand the whole idea, the whole concept of organizational culture and how to improve it and to make it ethical. HR system important kyun hai? HR systems and processes such as performance management and reward are the formal systems which enable organizational culture, but are limited in how effective they can be in isolation. तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर? के जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है, जो आपका हायरिंग का सिस्टम है, जो आपकी ट्रेनिंग का सिस्टम है, जो आपकी फायरिंग का सिस्टम है, जो आपकी लोगों की पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम है, जो आपकी सेल, एवरीथिंग विच इज़ इन ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन रिलेशन से मुतल्लिका है, वो तमाम का तमाम अगर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बेसिस पे चल रहा होगा, शेयर्ड वैल्यूज़ की बेसिस पे, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे चल रहा होगा तो वो कामयाब होगा। अगर वो आइसोलेशन में होगा तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ये कैसे होगा कि अगर आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो तो आपको ये बता रहा हो कि टीम वर्क करनी है, लेकिन आपने कभी इकट्ठे बैठ के बात ही नहीं की लोगों के साथ, कोई आपकी शेयर्ड वैल्यूज़ ही नहीं है, कोई शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, लोग एक दूसरे के साथ बात ही करना पसंद, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू ये कह रही है या आपका जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्राइटेरिया ये कह रहा है कि वो टीम वर्क को बोनस देगा, वो टीम को हाईलाइट करेगा, लेकिन कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग किसी के साथ बात भी करना पसंद नहीं करते, या लोग एक दूसरे के साथ एक जो कोलैबोरेशन होती है आउट ऑफ द वर्क वो ही नहीं करना चाहते, तो वो आइसोलेशन में कोई भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम, कोई भी हायरिंग फायरिंग का सिस्टम, रिक्रूटमेंट का सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम कोई भी कामयाब नहीं होता। वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं आपके जो शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर, और वहाँ पे HR के लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इन तमाम चीज़ों को किसी एक कॉमन एजेंडे पे, कॉमन पॉइंट पे लेके आए हैं और वहाँ से चीज़ों को लेके आगे चले। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, अब दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का है और एक ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हमने थोड़ी सी पीछे ही बात की, होता क्या है, कल्चर इज़ अबाउट हाउ डिसीजंस आर मेड हेयर फ्रॉम द टॉप और इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर अबाउट द वे थिंग्स आर डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कल्चर का मतलब क्या है कि किस तरह से डिसीजंस यहाँ लिए जाते हैं, और चीज़ें बड़ा नॉर्मल सी चीज़, अगर आप बड़े आसान अल्फाज में समझे कि यहाँ पे इस घर में किस तरह से काम होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है। ठीक है, घर का कल्चर है,
ये एक अदारे का कल्चर है, ये एक कंट्री का कल्चर है, एक सोसाइटी का कल्चर है, एक माशरे का कल्चर है, या एक कंट्री का कल्चर है कि यहाँ पे इस तरह से ये काम होता है, ठीक है, तो वो उसका कल्चर बन जाता है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान का क्या कल्चर है कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो MBA करते हैं, 16 साल की एजुकेशन हासिल करते हैं, उसके बाद जॉब के लिए निकल जाते हैं, फिर उसके बाद शादी की बात आ जाती है, फिर उसके बाद बच्चे होना शुरू होते हैं उनको स्कूलों में, तो एक कल्चर बना हुआ है। तो इसी तरह से अगर इसको आप छोटी जगह पे लेके आएँ कि एक अदारे के अंदर किस तरह से लोग आएंगे, डिसीजन मेकिंग का मैकेनिज्म क्या होगा, कौन डिसीजन करेगा, किस बेसिस पर डिसीजंस होंगे, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनता चला जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, इट इज़ वाइडली डिफाइंड एज द मीनिंग पीपल अटैच टू सर्टन फीचर्स ऑफ वर्क सेटिंग। मुख्तलिफ किस्म के जो काम हैं उनको जो लोग मीनिंग अटैच कर देते हैं उनके साथ कि इसका ये मतलब है, मिसाल के तौर पर इट इज़ द फीलिंग और एटमोसफियर पीपल इंटरप्रेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ईदर डे टू डे और मोर जनरली the way an individual understands their workplace guides their behavior. किस तरह से एक individual ये समझता है कि उस organization में उसका behavior जो है वो किस तरह से guide किया जाएगा। Creating an organization culture, climate of inclusion, ठीक है, climate culture क्या है कि किस तरह से यहाँ पर decision लिए जाते हैं, किस तरह यहाँ पर काम किया जाता है। Climate क्या है कि लोग जो हैं वहाँ पर मिसाल के तौर पर inclusion जो है वो सब के हर किसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ये कहता है कि यहाँ पे सारे लोग आके काम कर सकते हैं, यहाँ पे रेस, जेंडर, एथनिसिटी, एज, उसका कोई वो नहीं है। जो स्किलफुल है, जिसको जो अच्छा काम आता है वो यहाँ पे आए, इंक्लूजन है सब, डिसेबिलिटी किसी किस्म की नहीं है, अगर सब लोग इंक्लूडेड हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स, इंक्लूजन क्या है, फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स एम्प्लॉइज टू अटैच मीनिंग टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्क only when there is a shared belief that all employees are respected, valued and allowed to be themselves will an organization have a truly inclusive climate. to inclusive climate ka kya matlab hai, climate ek badi cheez, uske andar jab aap inclusivity leke aate hain to iska matlab ye hai ki tamam logo ko jo ke employees wahan pe kaam kar rahe hain wo respect di jati hai, value kiya jata hai aur unko jo wo as individual hai उसको रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको अपने ढाल में ढालने की कोशिश नहीं की जाती, उनको ये नहीं कहा तू एंच क्यों कर रहे हैं और तू एंच क्यों कर रहे हैं, तू एंच क्यों, भाई जो है वो है। हाँ, उसकी बेसिस पे जो कल्चर क्रिएट होता है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े हैं, जो HR के लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं, वो वहाँ पर कुछ उसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करवा देते हैं कि हमने यहाँ पे इस तरह से ये काम होगा, और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ढलना शुरू हो जाते हैं, लोगों को इन्फोर्स नहीं किया जाता, लोगों को एक्सक्लूड नहीं किया जाता, लोग खुद ब खुद। हाँ, इसका एक जो प्रैक्टिकल जो रियलिटी है वो ये है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं, जब कल्चर क्रिएट करते हैं, तो वो लोग जो कि उस कल्चर के साथ अडेप्ट नहीं कर पा सकते, या वो उनका कल्चर नहीं होता, या उसको मुनासिब नहीं समझते, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सक्लूड होते चले जाते हैं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, आपको उनको बाय फोर्स अपने कल्चर में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और क्लाइमेट डिवेलप इस तरह से करता है कि लोगों को बाय फोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर नथी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिसका जो अंडरस्टैंडिंग है उस कल्चर के इस हवाले से, अगर वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है तो वो खुद ब खुद लोग उसके अंदर आना शुरू होते हैं। और जो अच्छा कल्चर होता है, जो एथिकल कल्चर होता है, जो अच्छा एथिकल बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर तमाम लोग आना चाहते हैं और लंबे अरसे के लिए वहाँ पर काम करना चाहते हैं, ताकि अपनी वेलबींग भी, जो लेंस था हमारा वेलबींग का लेंस, अपनी वेलबींग जो है वो उनकी बेहतर हो सके, वो उनका आइडिया और उनकी जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का आइडिया है वो बेहतर हो सके। तो जो HR के लोगों का काम है, जो पीपल प्रोफेशनल के लोगों का काम है कि वो इस सिस्टम को आसान बना दें, कि लोगों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए उस कल्चर को, उस वैल्यूज़ को, वो ऐसे मौके क्रिएट करें तमाम लोगों के लिए ताकि इंक्लूसिविटी क्रिएट हो जाए। लोगों को अगर पता ही नहीं होगा कि वैल्यूज़ क्या हैं, या उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हो रही होगी कि वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं क्रिएट की जा रही होगी कि वैल्यूज़ क्या हैं, तो फिर लोग खुद ब खुद एक्सक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर लोगों को पहले ये ज़रूर करवा दिया जाए कि ट्रेनिंग्स हो गई सारा, उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ आती, कोई ऐसा है जो कि कहता है कि नहीं यार मेरी तो ये वैल्यूज़ ही नहीं, तो
थैंक यू वेरी मच, कोई मसला नहीं है, आप तो लोग खुद बहुत जा भी सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो लोगों को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग, और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये बाज़ औक़ात लोग ये भी समझते हैं कि यार इतना टाइम नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में, इतना टाइम नहीं होता, इतने असं काम करना है, लोगों को समझाना है, बिल्कुल ठीक है, काम ही करना है। उस काम के दौरान ये पीपल प्रोफेशनल्स का काम है, ये उनका ख़ास काम है कि उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है, ठीक है ना। ये मैंने एक और प्रोग्राम में कहा था कि ये जो हम जब ये सारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मंत्रा शुरू करते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं, या कोई नया सिस्टम लेके आते हैं, और इन अ ब्रॉडर सेंस कैरियर अपना शुरू करते हैं, कैरियर लेके आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं, इट इज़ नॉट अ T20 मैच, इट इज़ अ टेस्ट मैच। इसको एक टेस्ट मैच की, क्योंकि उसके अंदर लंबे अरसे की इनिंग्स है, इमीजिएटली बहुत सारी चीज़ें नहीं हो जाती, साल हा साल लगते हैं कल्चर डेवलप होते हुए, इमीजिएटली डेवलप नहीं होती। हाँ, उसका जो पौधा है वो तो आज ही लगाना है, और उसको बार बार उठा के ज़मीन से उखेड़ना नहीं है कि ये उगता क्यों नहीं है, फूल क्यों नहीं लग रहे हैं देते, तो वो नहीं, वो ज़रूर ज़रूर देखने की जरूरत नहीं, उसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। तो उसको पानी दें, उसको उसकी आबियारी करें, उसको चलने दें, उसको ऐसा ऐसा चलने दें, और साथ साथ अपना काम जारी रखें, ठीक है। एक जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को मेजर करने का जो एक मॉडल है, वो ब्रीफली मैं आपको, उसके चार एरियाज़ हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर कभी किसी और सेशन में हम बात करेंगे। डेंसन्स मॉडल ऑफ मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, उसके अंदर चार चीज़ें हैं। पहला मिशन है, जो भी मैंने आपको दिखाया, बात की पहले भी हमने, कि डू वी नो वेयर वी आर गोइंग, हमें पता भी है ऑर्गेनाइजेशन को हम जा कहाँ रहे हैं, बस एंडिंग अन्य वहाँ सुबह आते हैं और काम पे लग जाते हैं, और शाम को घर चले जाते हैं, और फिर सुबह आते हैं फिर काम, पता भी हो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, पता हो कि भाई मिशन क्या है, जाना क्या है, प्रोजेक्ट कौन सा है, आज से साल बाद क्या कर रहे होंगे, दो साल बाद क्या कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन मिशन क्या है, और फिर उसको छोटा करें तो इंडिविजुअल मिशन क्या है, डिपार्टमेंट मिशन क्या है, और फिर इंडिविजुअल मिशन क्या है। तो लोगों को अपने अपने मिशन का भी लोगों ने खुद बनाने होते हैं, लेकिन HR का काम ये है, पीपल्स प्रोफेशनल्स का काम ये है कि वो उसको काइंड ऑफ हाईलाइट करते हैं, या उसको इंस्टिगेट करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें जो है ना वो बनाएं। अडेप्टेबिलिटी की हमने बात की, आर वी लिसनिंग टू द मार्केट प्लेस, कि हमारी जो इर्द गिर्द की मार्केट प्लेस है, कि हम उसके साथ वो भी हैं, कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, हम अपनी ही एक साइड पे चले जाएँ तो पीछे मार्केट जो है वो हम भागी जा रहे हैं, और पीछे पता चला वो यार ये तो मार्केट पीछे जो है, मार्केट आ ही नहीं रही पीछे जो है, वो लोगों को तो ये चीज़ ही नहीं चाहिए जो हम काम कर रहे हैं, और आजकल जो है वर्क फ्रॉम होम का काम चल रहा है, तो लेकिन हम जो है वो अडेप्टेबिलिटी हमारी है ही नहीं, ऐसी अडेप्टेबिलिटी कि हम लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है, और हमारे पास चीज़ें ही ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कामयाब कर सकें। सो अडेप्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में इससे मेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है, कि वो मार्केट को भी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बिल्कुल ऐसा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गया कि नहीं यार जो हम कर रहे हैं बस वही है, दरवाजे शराजे खिड़कियाँ बंद करो और किसी की नहीं सुननी, बस जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, बस हम ही इसी तरह से, लिसन टू द पीपल दैट आर, लिसन टू द मार्केट, व्हाट इज़ हैपनिंग इनटू द इंडस्ट्री, इनटू द एरेना ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज़ हैपनिंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, हो क्या रहा है, लोग किधर जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई हुई है, नया तरीका, नया स्किल सेट क्या आ चुका हुआ है, अडेप्टेबिलिटी आपकी किस तरह की है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, डज आर सिस्टम प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ द of different kind of individuals and different kind of skill sets, क्योंकि consistency show ये करती है organization की कि over the years आपका जो values हैं और आपकी जो culture है, जो आपकी behaviors हैं, जो आपकी guidelines हैं, वो आपने regularly consistently show कर रहे हैं कि नहीं, और integrated है वो of the different systems in the organization, performance management के system के साथ आपकी जो कल्चर है वो इंटीग्रेटेड है कि नहीं है, सेल्स के सिस्टम के साथ है कि नहीं है, अकाउंट्स के सिस्टम के साथ है कि नहीं, सप्लाई चेन के सिस्टम के साथ है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर किस तरह का है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेबल है विद ऑल द अदर सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, और आखिर में इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। जो हमने चार चीज़ें पहले देखी उसको मैं थोड़ी सी डिटेल में, कि डेंसन्स का मॉडल है ऑफ मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर,
कि लोग कितने इन्वॉल्व होते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, लोगों से बात पूछी जाए तो कहते हैं जी हमें नहीं पता। और वो क्यों कहते हैं ऐसे? क्योंकि उनको फियर होता है। अगर फियर है तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपका फियर से भरा हुआ। अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की इंगेजमेंट है, लोग मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस करते हैं। एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, मेरे क्लाइंट भी हैं स्टुअर्ट पाकिस्तान, उनकी बड़ी अच्छी बाज़ुकात चीज़ें उन्होंने कुछ शुरू की हुई हैं। एक बैठक शुरू की हुई है जिसमें लोग जनरली आते हैं और कुछ किसी एक एचआर का काम नहीं होता, ये किसी और डिपार्टमेंट वाला कोई भी बंदा आके वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि यार इस दफ़ा उसने इनिशिएट करनी है वो बैठक, और वो एक जनरल डिस्कशंस करते हैं। लोग कोई और नॉर्मल बातें करते हैं, बिजनेस के अलावा बातें करते हैं। उसके अलावा उनके जो नए लोग हायरिंग आती है उनकी फेसबुक पे तस्वीरें लग रही हैं, लिंक्डइन पे तस्वीरें लग रही हैं और उनको लोग प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन सरीना होटल्स थी जहाँ पे मैं भी था, और वहाँ पे हमने एक काम शुरू किया था लोगों की इन्वॉल्वमेंट के लिए कि जो भी नए लोग आते थे उनके हम जो हायरिंग होती थी उनको सबको हम घरों में लेटर लिखते थे। उनके घर के उनके अगर शादीशुदा हैं तो उनकी स्पाउसेस को लेटर लिखते थे, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनके पेरेंट्स को लेटर लिखते थे, उनके भाई को, उनके बड़े जो भी उनके घर में बड़ा, और उससे लोगों की जो एक जो फैमिली इन्वॉल्वमेंट है वो उसके अंदर हो जाती थी कि लोग जो हैं, और जो लोगों की प्रमोशन भी होती थी, इवन जो लोगों की प्रमोशन होती थी या नए ग्रेड पे जाते थे या एम्प्लॉई ऑफ द मंथ मिलता था उनको, तो उनके हम घर लेटर लिख देते थे और उनको मुबारकबाद देते थे उनकी फैमिली को कि आपकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो आपका ये जो सपूत है हमारे पास इसने इतनी तरक्की कर ली है और ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो वो दैट्स बेसिकली इन्वॉल्वमेंट लोगों की, ना सिर्फ अपने लेवल पर बल्कि फैमिली लेवल पर भी उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टार्ट होती थी। तो दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ दी क्राइटेरिया टू मेजर दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब कल्चरल चेंज की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसे मेजर होता है, किस तरह से बनता है, होता क्या क्या चीज़ है। फिर बाज़ुकात कल्चरल चेंज की तरफ आप जाना चाहते हैं कि यार नहीं है साडा कल्चर तो, या हमने लेक्चर सुना कल्चरल हमारा तो बड़ा फजूल कल्चर है तो आप इसको चेंज करना है। तो उस कल्चरल चेंज को होता क्या है, वो कल्चर चेंज क्या होती है और उसको करने के लिए चंद एक स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा। Cultural change has been described as movement from the current known state to the potentially unknown state. ठीक है, तो ये एक बड़े मज़े की बात है कल्चर चेंज की। अभी जो आपकी स्टेट ऑफ अफेयर्स है पोटेंशली अननोन स्टेट की तरफ आप जा रहे होते हैं, मतलब आपको पता तो होता है, मतलब इसमें इससे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन इससे आपको पता तो होता है कि आपने ये करने जाना है, लेकिन जब आप करने लगते हैं और जब आप उस रस्ते पे चलते हैं तो बाज़ुकात कुछ ऐसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं जिनको आपने फोर्सी नहीं किया होता, जिनको आपने देखा नहीं होता, जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। तो जैसे मैंने आपको बात की थी कि जो आपका पोटेंशियल, जो आपकी रियलिटी है और जो एम्बिशन है उसमें फ़र्क होता है, जो आपका एम्बिशन है और जो रियलिटी है उसमें फ़र्क होता है। तो वो जो चीज़ है उससे आपको जब आप एम्बिशन आप लेके चलते हैं कि आपने कल्चर चेंज करनी, लेकिन रियलिटी में थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाता है। सो रिस्क एंड सॉल्यूशंस व्हेन इनिशिएटिंग कल्चरल चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट जो आप कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इसको कल्चरल चेंज और चेंज मैनेजमेंट दोनों ही चीज़ें वो चल रही होती हैं क्योंकि आपकी चेंज ऑर्गेनाइजेशन में। अवॉइड क्रिएटिंग फैनफेयर अराउंड कल्चरल चेंज, ठीक है। तो बाज़ुकात हम ना बहुत सारी जब हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं तो हम उसका बहुत ज़्यादा ढंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, यो जी हम ये करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं, हम ये करने लगे हैं। बाज़ुकात अपने अपने इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए, बताने के लिए, अपने जो स्पॉन्सर्स हैं उनको बताने के लिए या कस्टमर्स को बताने के लिए, और अपना एक बड़ा शोर गुगा मचाना शुरू कर, ये ना करें। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह ये है कि जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपका स्टाफ है 100, 200, 150, 250, 4000 जितना भी है, सब लोग एक तरह से नहीं सोच रहे होते, ठीक है। कल्चरल चेंज उनके फियर्स शुरू हो जाते हैं। अनाउंसिंग चेंज एट एन इवेंट इज़ मोर लाइकली टू कंसर्न एम्प्लॉइज हु फियर द केओस इट विल कॉज रादर देन एक्साइटमेंट। तो वो इनकी एक्साइटमेंट के बजाय, हाँ हो सकता है बीच में से बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट हो, लेकिन बहुत सारे लोग हो सकता है एक्साइटेड ना हो, उनको फियर शुरू हो जाए और वो फिर उसको रेजिस्ट करना शुरू कर दें, उसके अगेंस्ट होना शुरू हो जाए और फिर आपको वो जो आप करना चाह रहे हैं वो आप। सो अवॉइड करें बहुत ज़्यादा इसको, मार्केट करने से अवॉइड करें, शुरू में मार्केट करने से अवॉइड करें। करें क्या? कन्वे द नीड टू चेंज फॉर वाइडर ऑर्गेनाइज। इंडिविजुअल्स इन अ स्मॉल टीम टेक केयरफुल एंड टाइम कंज्यूमिंग कंसिडरेशन बिफोर डिसाइडिंग टू इनिशिएट चेंज विच ऑफ कोर्स रिजल्ट्स इन
them rationalizing and justifying their decisions. ठीक है, तो जो भी करना चाह रहे हैं उसको पहले wider organization में पहुँचने से पहले उसको पहले छोटे ग्रुप्स में उसको डिसाइड करें, उसको इनिशिएट करने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता टिप 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 करके काम करें. ठीक है, ठुक ठुक करना शुरू करें. दिस मेक्स इट हार्ड फॉर देम टू एम्पथाइज विद दोज हु डू नॉट हैव द प्रिविलेज ऑफ नोइंग व्हाट दे डू एंड आर हियरिंग दिस न्यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम. टू ओवरकम दिस यूज स्टोरीज दैट अलाउ एम्प्लॉइज टू कनेक्ट विद द नीड फॉर चेंज. स्टोरीज शुरू करें, जैसे हमने एक दफ़ा जब मैं सरीना में था तो हमने वैल्यूज़ पे और कल्चरल चेंज पे बहुत सारा काम किया और ओवर द पीरियड ऑफ अबाउट 6 months वी इनिशिएटेड अ प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, मोटिवेशनल स्टोरी टेलिंग. बहुत मतलब हमने किसी ट्रेनर को नहीं बुलाया, किसी मोटिवेशन स्पीकर को नहीं बुलाया, मोटिवेशनल स्टोरीज को हमने लोगों में सुनाना शुरू किया. और उसका सुनाने का तरीका हमने ये किया कि डिपार्टमेंट हेड्स अपनी मीटिंग में, उसमें एचआर का बंदा जो सीनियर था उस वक्त मैं था, तो मैं सुनाता था वो स्टोरी और वो स्टोरी फिर सारे लोगों को जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको चली जाती थी, डिलीवर कर देते थे ईमेल में. उसके बाद वो सारे अपने अपने स्टाफ में सुनाते थे, फिर वो जो स्टाफ थे सुपरवाइजर्स वो फिर नीचे जाके अपने रैंक एंड फाइल में सुनाते थे. सो ऐसा ऐसा वो एक हफ्ते में एक स्टोरी पूरे स्टाफ में चलती थी. तो चेंज मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है इट हैज़ अ वेरी काइंड ऑफ स्टिंग अटैच टू दिस कि ये ख़राब भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है. ख़राब होने के लिए आप इसके अंदर इम्पल्सिव डिसीजंस करें और आप फैला दें इसको बड़ी जल्दी तो लोग इसको बड़ा नेगेटिव लेना शुरू कर देंगे. लेकिन अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीके, स्टोरी टेलिंग इज़ वन ऑफ द वे जिसके आप कर सकते हैं और बड़ा इफेक्टिव वे भी है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पहुँचाना शुरू करें. और उस तरह से, क्योंकि भैया मैंने पहले कई दफ़ा ये बात की, ओवरनाइट की ख्वाहिश मत करें. आप इतनी जल्दी ये कोशिश ना करें कि आपने बस यार जी 6 महीनों में काम हो जाए तो मैं इसको जो है ना वो पूरा का पूरा कल्चर, नहीं ऐसा नहीं होगा. आप ख़राब करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी ख़राब करेंगे, अपने कैरियर को भी ख़राब करेंगे, लोगों के कैरियर को भी, और पूरी की पूरी कल्चरल मैनेजमेंट को ही ख़राब कर देंगे. तो ठंडा करके खाएँ, आराम से खाएँ, साल लगाएँ इसके ऊपर, 2 साल 3 साल, ये लंबा काम है, ये आसानी से नहीं होते हैं. कल्चर बड़े जनरेशन से बनते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में इसको थोड़ा जनरेशन से छोटा कर लें, 2-3 साल लगा लें इसके ऊपर, लेकिन काम करें, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है. आराम आराम से लोगों के बिहेवियर चेंज करना, ओवरनाइट चेंज नहीं होते लोगों के बिहेवियर. ग्रास्प द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क्स ऑफ एम्प्लॉइज, फेलियर टू टेक एडवांटेज ऑफ दीज ग्रुप्स कैन बी डिट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ कल्चर. तो इनफॉर्मल जो लोगों की डिस्कशन होती है, चाय के कप पर डिस्कशन हो रही है, खाने पर डिस्कशन हो रही है, मीटिंग से निकले हैं तो बाहर वैसे गपशप लगा रहे हैं, बाहर सिगरेट पी रहे हैं लोग तो उसमें अंदर डिस्कशन हो रही है लोगों की, वो सारी डिस्कशन होती हैं वो नॉर्मली बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे हो रही होती हैं, सियासत पे हो रही होती हैं, मुल्की हालात पे हो रही होती हैं, घरों के हालात, वही चीज़ें जो हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं एम्प्लॉइज़ को. जब वो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं तो इस किस्म के ग्रुपिंग्स में से इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, लोग क्या बातें कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कोई नया बंदा आ रहा होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपने ट्रेनिंग करवाई उसके बारे में बात कर रहे थे, कोई आपने नया पॉलिसी इनिशिएटिव लिया उसके बारे में बात. तो लोग ये जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलती है. सो डूज एंड डोज, फाइनल स्लाइड है जिसमें देयर आर 3 डूज एंड 2 डोंट्स ऑफ चेंज मैनेजमेंट. डू कम विद क्लियर विजन ऑफ योर डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोट दिस थ्रू आउट द वर्क फोर्स थ्रू स्टोरी टेलिंग. Do identify key stakeholders of the new vision and encourage the wider organization to be continually responsive to the needs and desires of the stakeholders. Stakeholders ka bada khyal rakhna hai, stakeholders ke bare mein identify kare. Do define the role of managers as enabling their team and drawing on the full capabilities of talented staff. Ye jo 3 cheeze hain ye shuru mein aap kar le. Kya cheeze hain? पहला क्लियर विजन अपना कर लें, डायरेक्शन सेट कर लें, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लें, उनको बता दें, उसके बाद रोल ऑफ मैनेजर्स को आइडेंटिफाई करें. सबका रोल होना चाहिए, आप अकेले नहीं कर सकते, पीपल मैनेजर्स अकेले नहीं कर सकते, एचआर मैनेजर्स अकेले नहीं करना चाहिए, कर नहीं सकते, आपको लोग बहुत तंग करेंगे, बहुत मारेंगे, बहुत आपको बुरा भला कहेंगे. आपने लोगों से करवाना है, लोगों को आपने मोबिलाइज करना है, प्रमोट करना है और उनको मौका देना है कि वही करें. लोगों को ओनरशिप देनी है इस चीज़ की, जब लोग ओनरशिप देंगे तो लोग खुद ब खुद कल्चर को बहुत खूबसूरती से चेंज मैनेजमेंट करवा देंगे. और क्या ना करें, डोंट बिगिन बाय इमीडिएटली रीऑर्गेनाइजिंग. इमीडिएटली सारी चीज़ें हलटल पलटल इधर उधर से, यार इसको उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, उधर शिफ्ट कर दो, ये अच्छा ही नहीं है, ये अच्छा ही नहीं है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसका फलाना अच्छा नहीं है,
लोगों को ये करेंगे तो लोग बड़े तंग होंगे. इनसेट क्लैरिफाई द विजन एंड इंश्योर देयर आर मैनेजमेंट रोल्स एंड सिस्टम्स दैट सपोर्ट दिस विजन. डोंट पैराशूट अ न्यू टीम ऑफ मैनेजर्स. ये बड़े मजे की बात है कि आपका काम ही चल रहा, लो जी नए लोग लेके आओ, नए कंसल्टेंट लेके आओ जी. और ये बड़ा मजे की बात होती है, नए कंसल्टेंट. मैं खुद चूंकि कंसल्टेंट भी हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, अचानक से ये काम ना करना शुरू कर दें. कंसल्टेंट को मत बनाएं, ट्रेनर को मत बनाएं, ठीक है? लोग डर जाते हैं. और ये कंसल्टेंट ट्रेनर के हवाले से भी है. टीम नई ले ना, फौरन से ना शुरू कर दें कि यार ये टीम अच्छी नहीं है, नई टीम लेके आओ, इसको निकाल दो, उसको ले आओ, उसको निकाल दो, उसको ले आओ. आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को शुरू करें, लोगों को एजुकेट करना शुरू करें. जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे तो लोग खुद बखुद उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे. कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका काम ख़राब हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी वेलबींग ना हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ना कमाए, ऑर्गेनाइजेशन को भी कमा के ना दे और ख़ुद भी ना कमाए. हाँ, और हैंडफुल ऑफ लोग शायद होते हैं जो कि ईवल माइंडेड होते हैं या जिनका हमेशा ही नेगेटिव थिंकिंग होती है. हाँ, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो वो खुद बखुद निकल जाएंगे. लेकिन इस तरह से नई टीम फ़ौरन से ना लेके आएँ और इतना ज़्यादा कंसल्टेंट्स पे एतमाद ना करें. हाँ, बुलाएँ ज़रूर उनको, उनसे ज़रूर पूछें. उनका एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, ब्रॉडर व्यू होता है, वो आपको अच्छी चीज़ें बता सकते हैं. और अगर कंसल्टेंट आपको आके ये ही बताए जो कि ये चीज़ें हैं, ये भी आपके लिए गाइडलाइन है. कंसल्टेंट को आके आपको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि नहीं यार ये ऐसे नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के साथ चलो. इमीजिएटली आपने कंसल्टेंट को बुलाया और उससे कहा यार हमें ये इतना काम चाहिए, वो कहते हैं जी अब 3 महीने से हो जाएगा काम. वो 3 महीने में नहीं होने वाला, 3 महीने में नहीं होने वाला, ठीक है? कंसल्टेंट को भी समझाएं आप कि भाई ये ऐसा चीज़ नहीं है कि ये 3 महीने में हो जाए. हाँ, कंसल्टेंट को आप पेश आए 3-4 महीने का ही प्रोजेक्ट करें, लेकिन उससे एक लंबी एसोसिएशन करें कि वो हैंड होल्डिंग करे. हाँ, थोड़ा सा उसकी पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, लेकिन ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं यहाँ पे जो कि आपको एक लॉन्गर जो अच्छा आइडिया दें कि नहीं यार ये एक लॉन्गर, शुरू में मैं आपको एक गाइडलाइन दे दूंगा, उसके बाद फिर आपने खुद इसको लेके चलना है और लॉन्गर पीरियड के लिए लेके चलना है, ठीक है? तो ये एक लंबा टाइम होता है, अचानक से चेंजेस नहीं आ जाते. सो ये हमारा लेसन नंबर 10 था, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, चेंज मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के हवाले से बात की. और जब ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर बहुत सारी एथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो शामिल करती है, और जब वो एथिकल प्रैक्टिसेस शामिल करती है तो वो एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाती है. जब एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. और ऐसी ग्रोथ होती है जो कि अनहिंडर्ड ग्रोथ होती है, जिसके अंदर बहुत कम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं, बहुत कम प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत कम प्रॉब्लम्स. बहुत शुक्रिया आपका. अब आपको हम लेसन नंबर 11 में दोबारा मुलाकात होगी. और अगर आपका कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर आप कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफ़िज़.